सोलन में महर्षि वाल्मीकि के चित्रों वाला कागज की प्लेट पर मटन परोसा जा रहा था। जैसे ही इस बात की भनक वाल्मीकि समाज के सदस्यों को लगी तो उनमें क्रोध की ज्वाला भड़क गई। वे भारी संख्या में एकत्रित होकर पुलिस चौकी पहुंचे और जिस व्यवसायी ने ये प्लेट्स भेजी थी उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मौके पर सभी सदस्यों ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को भगवान की तरह पूजा जाता है और उनमें उनकी बेहद आस्था है, लेकिन उनके भगवान के चित्र को प्लेट्स में लगाकर उस पर मटन बेचा जा रहा है, जो शर्मनाक विषय है, जिसकी वे घोर निंदा करते हैं। इस मौके पर वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति के प्रधान प्रेमचंद मट्टू ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली वे अपने सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया कि कागज की प्लेटों पर उनके भगवान महर्षि वाल्मीकि का चित्र दर्शाया गया है और उसमें खाना परोसने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का यह निरादर है और वाल्मीकि वर्ग सुधार समिति इसका पुरजोर विरोध करती है, इसलिए वे सभी मिलकर पुलिस चौकी पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाने आए हैं। कि आज हमारा एक व्यक्ति दोरी द्वाल सोलन स्थित में मटन की दुकान पे गया, वहाँ उसने वहाँ से सब्जी खरीदी। वहाँ जब उसने देखा कि मटन की दुकान वाले ने उसको पत्तल के ऊपर जो उसमें किया है वो पत्तल पे, ये पत्तल मेरे सामने है, इस पे महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की फ़ोटो साक्षात दिखाई गई है, जो कि सामाजिक तत्वों के विरुद्ध है। हमारा पूरा वाल्मीकि समुदाय जब हमारे इसके जहन में आया, हमारी नॉलेज में आया, हम सारे एकत्र होके पुलिस चौकी आए, यहाँ हमने रिपोर्ट दर्ज कराई और शोक व्यक्त किया और दुख भी व्यक्त किया कि हमें बड़ा दुख है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान जो कि सृष्टि रचेता हैं, उनको उन्होंने इस प्रकार पत्तलों पे उनका चित्र देके उनको अपमानित किया है। मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि इस प्रकार के तत्वों को प्रशासन और हमारा समाज और अन्य समाज जो है सख्त से सख्त सजा दें, ताकि उसको आगामी समय में सबक मिले, वो इस प्रकार की कार्रवाई करने से परहेज करे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन तत्वों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और इनको जल्दी से जल्दी पकड़कर कानून के हवाले के लिए आए। धन्यवाद।